काला चश्मा लगा के आदमी बैठा हुआ है क्योंकि अपेरेंटली नींद नहीं पूरी हुई है। नहीं नहीं भाई साहब, आंखें बहुत सुंदर है। ओह माय गॉड, दिस इज द इंडियन फोक प्रोजेक्ट। मेरे साथ एडवोकेट मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, एज वी से इन ऊपी। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छा हूं भाई। ओके, विशाल मिश्रा विदास, अभी 5 मिनट पहले यू टू बिजी, गलती रिलीज हो गया यार। जी जी, गलती रिलीज हो गई। क्या है वो गाने में, क्योंकि भाई का भी फोन आया था, डिड यू गेट द वीडियो? आयुष है गाने में। हाँ। आयुष और मैंने इससे पहले मांझा किया है। हाँ। एंड आई थिंक इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल जर्नी विद आयुष। आई शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। हाँ। एंड दिस सॉन्ग इज आल्सो वेरी स्पेशल, रिटन बाय कौशल। हम आई रिमेंबर मेकिंग इट इन पंजाब। हम आई हैव वेरी क्लियर मेमोरीज ऑफ द सॉन्ग, बहुत अच्छी तरीके से याद है मुझे। तो टूटे दिल जितने भी हैं इस दुनिया में, और बहुत सारे हैं, क्योंकि इश्क सबको होता है, दिल सबका टूटता है। सलमान भाई ब्रिगेड एवरीबॉडी। तो ये गाना बहुत खास है। आई थिंक जितने भी प्यार में टूटे हुए लोग हैं वो बहुत रेजोनेट करेंगे, तो इसलिए गाने का नाम गलत है। पहली बार कब टूटा था? देखिए, लेट्स गेट पर्सनल। हाँ, मतलब पहली बार दिल तो टूटता ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कलाकार एक दो तरह की रियलिटी होती है। एक ये रियलिटी है जिसको प्रैक्टिकल रियलिटी कहते हैं, एक इमेजिनेटिव रियलिटी होती है। आप अपने कला में अगर सराबोर होते हैं, डूबे हुए होते हैं, इफ यू आर टू पैशनेट अबाउट योर आर्ट, देन एवरीथिंग हैपेंस इन एन इमेजिनेटिव रियलिटी। एक काल्पनिक सच्चाई में सब कुछ होता है, वहां दिल तोड़ते भी हो आप, दिल टूटते भी। फिलोसॉफिकल जवाब नहीं देना, सच बताना। सच बोल रहा हूँ। पहली बार कब टूटा था? पहली बार दिल टूटने की फीलिंग याद ही नहीं है मुझे, कसम से। What you're saying, इतनी बार टूट चुका है कि I'm used to it. जी, because whenever I'm making a heartbreak song, I have to feel like my heart is broken. You know, एक आर्टिस्ट इसीलिए अलग अलग प्रकार के गाने बना पाता है, क्योंकि इमेजिनेटिव रियलिटी में वो एक बहुत अच्छा इंसान भी हो, वो बहुत बुरा इंसान भी होता है, वो आशिक भी होता है, वो दीवाना भी होता है, वो कभी कभी बदलाखोर भी होता है, कभी कभी पार्टी मोड में भी होता है। मतलब यू आर डूइंग एवरीथिंग इन योर इमेजिनेटिव रियलिटी, एंड समटाइम्स योर इमेजिनेटिव रियलिटी इज एज गुड एज योर प्रैक्टिकल। सो वो जो पहली बार वाली फीलिंग है वो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता कल भी टूटा था। वेल प्लेड। परसों भी टूटा था। आई विल से वेल प्लेड। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। यू विल नॉट बिलीव इट, बट आई जेन्युइनली मीन इट। इसीलिए आज भी बनता है, उसके बाद भी एक्सपीरियंसेस लाइफ के, दिल टूटने के कितने हो सकते हैं किसी के? 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। देखो, मुझे पता है कि जो लड़का गिटार बजा लेता है और गा भी लेता है, उसके तो हम जैसे नॉर्मल से बहुत पहले शुरू हो जाते हैं टूटने और तोड़ने। देखो भाई, गिटार बजाने वालों की जो मिथ है ना कि जो गिटार बजा लेता है उसको बहुत अटेंशन मिलती है, गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता। आई थिंक अगर आप अपनी कला में अच्छे हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें अच्छे, तो यू गेट इनफ अटेंशन। अटेंशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम, बट हार्ट ब्रेक रियलाइज करने के लिए भी मुझे लगता है जीवन का एक तजुर्बा होना बहुत जरूरी है। फिर आप इसको एज अ पेन नहीं, एक फीलिंग के तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं, विच इज व्हाट आई डू।